जंगी आज़ादी के वक्त 1947 के आसपास गांधी जी और भगत सिंह जैसे आंदोलनों के बारे में पढ़ा करता था तो कल्पना करता था, इमेजिन करता था कि वो दौर कैसा रहा होगा। आज उसे अपनी आंखों के सामने चलते फिरते देख रहा हूँ, इस दौर को बिल्कुल ऐसे देख रहा हूँ और पुलिस को सरकार को उसी तरह बर्बर होते हुए देख रहा हूँ जैसे अंग्रेज हुए थे। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, आप छात्रों पर लाठियाँ चलवा रहे हैं, आपकी हो सकता है पढ़ने लिखने वालों से दुश्मनी है क्योंकि आप लोग कम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं दरअसल, वरना आपकी यूनिवर्सिटियों से दुश्मनी ना होती, आपकी JNU से दुश्मनी है, MU से है, जामिया से है, आप सारे विश्वविद्यालय बंद कर दें, आप बच्चों पर लाठियाँ बरसवाएंगे। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि रिश्तों की ये नाजुक डोरी तोड़ी थोड़ी जाती है, अपनी आंखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़ी जाती है, ये बच्चे आपकी आंखें हैं, इस देश का आने वाला मुस्तकबिल है, आप इन्हें इनके पैर तोड़ देंगे, आप इनकी आंखें फोड़ देंगे, इससे शर्मनाक हुकूमत शायद हमारे पुरखों ने भी नहीं देखी और मैं पहली बार लोगों के अंदर से डर निकलते हुए देख रहा हूँ। तो क्या ये आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई है? बिल्कुल, मुझे ये लग रहा है कि आज़ादी की बिल्कुल दूसरी लड़ाई है, बिल्कुल उसी तरह का माहौल है और आज़ादी जो है वो तानाशाही से आज़ादी है। पिछली बार गोरों से थी, लोग नारा लगा रहे हैं कि इस बार चोरों से है। हालांकि हम वो शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन लोग लगा रहे हैं तो लोगों की भावनाओं की कद्र मैं भी करता हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं। सरकार का ये कहना है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, हम लोग तो सिटीजनशिप देने की बात करें और ये कह रहे हैं कि सिटीजनशिप छीन ली जाए। नहीं, सरकार की समझ में दरअसल कुछ नहीं आ रहा, पिछले 6 साल से उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और जब कुछ समझ में नहीं आता तो हुकूमतें इसी तरह की बेवकूफियाँ क्या करती हैं जैसा ये कर रहे हैं, ये नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, पीछे से उनका जो हिडन एजेंडा है NRC लागू करने की बात, वो दरअसल ये चूक कर गए, इन्होंने CAB लाने से पहले ही देश में NRC ला दिया, वरना लोग शायद इनका शातिरपना इस तरह ना समझ पाते, ये कैब लेकर के आते लोग कुछ ना बोलते, अगर ये मजहबी आधार पर अपनी तकरीरों में झारखंड के चुनावों में भाषण दे करके लोगों को पोलराइज करने के लिए बातें ना करते तो ये आम आवाम शायद CAB का हिडन एजेंडा समझ ही ना पाती। लेकिन उससे पहले ये आसाम में NRC लागू करके 19 लाख लोगों को बेदखल कर चुके थे जिसमें सिर्फ 5 लाख मुसलमान थे, 14 लाख हिंदू भाई हैं, तो ये जो हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे वो भी, दरअसल ऊपर कोई एक ताकत है जो आपकी डोरी को जब जकड़ना शुरू करती है तो आपकी सारी तानाशाही, आपका सारा गुरूर एक झटके में चूर हो जाता है, इस वक्त मैं उस गुरूर को चूर होते हुए देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि हिंसा जो कर रहे हैं उनके लिबास से कपड़ों से पता चल जाता है? मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी को अमित शाह जी ने टेक ओवर कर लिया, अब प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जो उनसे बुलवाया जा रहा है वही बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी इतने बेहिस हैं जितना आजकल वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो पोशाक से देश को पहचाने और लोगों को पहचाने जाने की बात कर रहे हैं, अगर हम उनकी 10 लाख की पोशाक से उनका नामकरण करें तो क्या करें, हम उन्हें कौन सा नाम दें उस 10 लाख की पोशाक पर जिसमें सोने से उनका नाम गुदा हुआ, मुझे पहले इसका फैसला वो करके दे दें उसके बाद जो है, और अगर वो चाहते हैं कि पूरा देश साबित करे कि NRC में उसकी नागरिकता है या नहीं तो ये दोनों लोग इस्तीफा दे के पहले अपनी नागरिकता साबित कर दें फिर हम साबित कर देंगे। छात्रों के कंधे पर बंदूक चलाई जा रही है रखकर उनको उकसाया जा रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग जिनको वो कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल है ये भड़का रहे हैं। मुझे लगता है कि छात्र बहुत पढ़े लिखे हैं, कम से कम इनसे तो ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, इन्होंने जिसको मानव संसाधन विकास मंत्री बना रखा था इससे पहले उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि छात्रों के कंधे पे कोई बंदूक रख के चला सकता है, ये हो सकता है ABVP के और अपने जो आनुषांगिक संगठन है उनके कंधों पे बंदूक रख के भले चला लें, हम छात्रों के कंधे पे कोई बंदूक रख के नहीं चला सकता, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, आपको किसी पार्टी का झंडा नहीं दिख रहा है, तिरंगा दिख रहा है बस, इससे यह साबित होता है कि कोई उकसा नहीं रहा है, आप हमें चिढ़ा रहे हैं और हम बदले में सड़क पर निकल आए हैं, हम आपसे असहयोग करेंगे, हम आपको कोई दस्तावेज नहीं देंगे, आप हमें जेल भेजना चाहते हैं हम तैयार हैं, हम गांधी के मानने वाले हैं, हम गांधी के मानने वाले हैं, आप हमें जेल भेजेंगे हम जाने को तैयार, हम मोहम्मद के मानने वाले हैं, उन पर कूड़ा फेंका जाता था उन्होंने कुछ जवाब पलट के नहीं दिया, उन्होंने उस बुढ़िया का हाल चाल लिया, उन पर ताइफ में पत्थर बरसाए गए फिर भी उन्होंने उस ताइफ वालों के लिए दुआ किया, आप हम पे लाठी बरसाएंगे हम आपके लिए दुआ करें, एक दिन आपको शर्मिंदा होकर हमारी बात माननी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल, छात्रों को ये भी कहा जा रहा है कि इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, इन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, उस पर आपके क्या? किसको करना चाहिए फिर राजनीति? सिर्फ भाजपा वालों को राजनीति करने का हक? इस देश का सबसे बड़ी पार्टी का प्रवक्ता संबित पात्रा चैनल पे बैठ के कहता है कि क्या 303 सांसद हमें मच्छर मारने के लिए मिले, तो मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ, तो क्या 303 सांसद आपको इस देश के आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, मुसलमानों को मारने के लिए मिले? अगर मच्छर मारने के लिए नहीं मिले हैं तो, या देश को चलाने के लिए मिले, आप इसका जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि हम डरे नहीं, हम बिल्कुल डर नहीं रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम डर नहीं रहे,
पहली बार लोग डर नहीं रहे हैं, आप डर रहे हैं, दरअसल इसलिए आप कह रहे हैं डर नहीं रहे, बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, आप ले चलिए जेल ले चलिए, जहां ले चलिए, मेहमान नवाजी करवाइए, हम तैयार हैं। चलिए थैंक यू। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।